सो हेलो गैस पैजमीनियस सो कॉल ऑफ ड्यूटी में सबसे मेरा अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन है आप पता है? इवन मेरे दोस्त भी नहीं है, वो है ये जोम्बी ग्रेनेड। द रीज़न इज़ जोम्बी, क्योंकि अगर आप स्क्वाड में नहीं गिर गए, अगर सिंगल हेडेड पड़ गए गेम में, तो आप क्या कर सकते हैं? सो आपका बेस्ट फ्रेंड है जोम्बी ग्रेनेड, जो आपको हर मुसीबत से बचाने के लिए वो हमेशा साथ रहेंगे, साथ देंगे। और ज़ॉम्बीज़ मेरे कितने अच्छे फ्रेंड हैं, सो ये दिखाने के लिए चले गेम में चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द गेम एंड हियर। सो देख रहे हैं मैं गेम में आ चुका हूँ। सो अगर आप स्क्वाड में नहीं गिर गए तो सिंगल हैंडली पड़ गए, तो एक ऐसे सेफ जगह ढूंढिए जहाँ आप फ्रीली आप लूट सकते हैं, जब आपको लूट मिल सकते है। वैसे तो मैंने यहाँ अकेले ही उतरा था, मगर मेरे पीछे पीछे मेरे मेहमान भी आ गए। सो उनका वेलकम करने के लिए मैं जल्दी से आटी ले लेता हूँ। तो जनाब आएंगे पीछे से, देख लीजिएगा। वो रहे एक स्क्वाड, वो दो जनाब। पहला जनाब तो लूट के पास आ रहे, ये लूट कर मुझे टपका रहे, इससे पहले मुझे इसे टपकाना पड़ेगा। सो ये जनाब का तो काम है, फिलहाल इसी वक्त वो दूसरा जाना चांस लेकर वो लूट ढूंढ रहा था। पास में लूट नहीं था तो ये भी गया। जल्दी से कोई आ जाए, मुझे इन्हें निपटाना पड़ेगा। सही गेम का एक रूल हमेशा याद रखिएगा, अगर एनिमी मार खत्म हो गया तो जल्दी से जल्द आप अपना हेल्प बढ़ा लीजिए, पता नहीं कहाँ से कौन आकर आपको मार। सो हमेशा अपना हेल्प फुल ही रखिए, कंजूसी मत कीजिए। इसी दौरान उस स्क्वाड का ही तीसरा बंदा पास में लूट रहा था, मुझे दिख गया। तो क्या कर रहा हूँ, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड आ गए। सो इन्हें उनके पीछे लगा देता हूँ, बिजी कर देता हूँ, फिर उनको ढाई 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 करके मार देता हूँ। सो फिलहाल ये काम नहीं है, वो बंदा भाग गया है। सो मुझे एक दूसरा टर्किप लगाना पड़ा, लगता है मेरा काम बन गया। उस बंदे का ध्यान मुझसे हट गया, तो उनका ध्यान जॉम्बी की तरफ चल गया। सो मुझे एडवांटेज मिल गया, मुझे गन और एमओ ले लेने का और गन बनने चेंज करने का, अच्छा वाला गन चेंज करने का मुझे मौका मिल गया। सो इसी टाइम में लूट लेता है, वो बंदा बिजी है। सो मैं भी फुल इक्विपमेंट है, क्योंकि मारते समय अगर आपका एमो खत्म हो गया तो बहुत आप तो टपक गया है। इस बंदे को पता चल गया है कि पास में एनिमी है। सो ये बंदा अंदर एक मुर्गी की तरह बैठ गया है, बिल्कुल ही साउंड किए बिना। सो मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड को बुलाना पड़ा। सो ये सो फिलहाल ये बंदा इस मेरे दोस्तों से बच नहीं पाएगा और मुझसे कतई बच नहीं पाएगा। सो ये लीजिए, मेरे दोस्तों से मार रहा है, तो इस चांस से मैं चांस ले लेता हूँ, चांस पे डांस मार लेता हूँ। तो पास में और एक स्क्वाड था, उस स्क्वाड में दो बंदा था, तो मैं उन लोगों का आवाज़ सुन लिया, पेड़ का आवाज़। सो इसलिए मैंने यहाँ चुप गया, क्योंकि मुझे ही पता था अंदर अगर ज़ॉम्बीज़ और ज़ॉम्बीज़ के पास आने के बाद वो रिस्क नहीं लेंगे, तो इस चांस के मैंने चांस नहीं लिया। एक बात का आप हमेशा याद रखिए, आप ओपन फील्ड एक स्क्वाड को कभी नहीं मार सकते हैं। उसके लिए आपको किसी घर या किसी बिल्डिंग के कोई एक मेज जैसी जगह चाहिए, जहां आप छुप सकते हैं, आपको अचानक से नहीं पकड़ पाया, नहीं दिख पाया। तो इसलिए मैं लग रहा है कि मैं इस घर पर था, और फिर से इनको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे जोमी गिने फेंकने पड़ेगा। लगता है बंदे डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो इस चांस के मुझे चांस लेना है, और चांस पे डांस में लगते हैं मार लेना चाहिए। बंदे भोले थे, नारंग थे, और पास ही रहे खतरे से अनजान थे। सो इसका उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा अपना जान देकर। एक के तो मैंने मारा, और दूसरे के तो मेरे पार्टनर से मार दिया। सो थैंक्स टू देम। इसी दौरान सबसे डरपोक बंदा पीछे घर में छुप रहा था, तो इसका कुछ खामियाजा ज़्यादा भुगतना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो डर गया वो मर गया भाई। सो इसी पे टपका दिया, एक फुल स्क्वाड दो स्क्वाड मार दिया मैंने। सो देखा कहने कैसे मैंने जॉम्बी की हेल्प से दो स्क्वाड को मार दिया। सो कहीं जाइएगा मत, और भी स्क्वाड मारना है, क्योंकि मैं अकेला हूँ ना। और आगे बढ़ने के लिए
आपको फुल बैग इक्विपमेंट सब कुछ फुल कर लेना चाहिए, क्योंकि आप आपके सामने बहुत चेनी में है, तब खाली एमओ नहीं जाना सकेंगे। फिलहाल लूटते समय एक और बंदा मुझे दिख गया जो मेरे पीछे आ रहा था, बहुत जल आ रहा था। सो जल्दी से मैंने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, ये लीजिए बंदा। बंदा तो चिल बैठा लिया, मेरे जोम्बी से वो कैसे कैसे बचेगा। इसी तरह मैंने उसे पीछे चल गया, मगर बंदा पीछे छुप गया, मुझे गोली मार रहा था मगर मार नहीं पाया क्योंकि मेरा दोस्त था ना, मैंने सब संभाल लिया। पास ही में उसी स्क्वाड का दूसरा बंदा भी था जो अपने पार्टनर को बचाने के लिए आ रहा शायद, मगर बंदे को पता नहीं अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में खुद ही मरा जाएगा। सो मुझे वक्त मिल जाए, वक्त मिल जाए इसलिए मैंने अपने दोस्त को बुला लिया। सो वो डिस्टेक हो गया बंदा, सो भी भाग गया। सो मुझे उसे पीछे जाकर उसे मार देना चाहिए, सो इसे ले लीजिए, इसे टपका दिया।
Boom, baby. So as you can see, मैंने kidney score को ऐसे मार दिया. So आखिर बनने के तो मुझे मन नहीं पड़ा. वो अपने खुद की दर्द ना कि ऐसे मर गया. मुझे chicken dinner मिल गया. Thank you guys for watching. Like it, share it, and keep playing it.